दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं 5G ऑक्शन की डेट फिक्स होगी 26 जुलाई को। दोस्तों 5G ऑक्शन होने वाला है और इकरा की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का दोस्तों में 5G ऑक्शन होगा। कंपनियां इतना सारा स्पेक्ट्रम यहाँ पे परचेस करेगी। लेकिन आज एक बड़ी खबर निकल गई कि एक तरफ तो कंपनी को बड़े बड़े झटके लगे हैं, जैसे कि प्राइस कम नहीं हुआ, प्राइवेट कंपनीज को दोस्तों फ्री में यहाँ पे दे दिया जाएगा, मतलब बिना ऑक्शन के। ये सारी चीजें यहाँ पे कंपनियों के लिए बड़ा झटका। लेकिन आज एक अच्छी गुड न्यूज भी दोस्तों इसमें से निकल के आई कि यहाँ पे कंपनियों को जियो, एयरटेल, वीआई को दोस्तों यहाँ पे 1,000,000 करोड़ का फायदा होगा। दोस्तों जो इंस्टॉलमेंट, जो पैसा ये सरकार को चुकाएंगे उसमें 50% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से कंपनियां अच्छा खासा पैसा टैक्स का जो सरकार को देती थी वो देना नहीं पड़ेगा, वो बड़ी रियायत इनको यहाँ पे मिलने वाली, इसके बारे में बात करेंगे स्टूडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। जैसे कि आप सभी जानते हैं जियो, एयरटेल, वीआई दोस्तों यहां पे तीनों ही कंपनी अच्छा खासा स्पेक्ट्रम परचेस करेगी। बीएसएल भी करेगा लेकिन बीएसएल को एडमिनिस्ट्रेटिव वे में ऐसे ही सरकार यहां पे दे देगी। तो जो ऑक्शन यहां पे होगा 26 जुलाई को 5G का, इसमें बातें की जा रही कि 1,00,000 से लेकर 1,10,000 करोड़। सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली जियो परचेस करेगा, फिर यहाँ पे आएगा एयरटेल और उसमें बाद में, क्योंकि वीआई का जो है फंडामेंटली पैसा भी थोड़े कम है तो कम परचेस करेगा। लेकिन टोटल 1,10,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम परचेस किया जाएगा, तीनों ही कंपनी करने वाली है। और ओवरऑल 10,000 करोड़ के आसपास, ओवरऑल 10,000 करोड़ के आसपास इनका मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा। तीनों ही कंपनी की बात कर रहा हूं तो मतलब ऑलमोस्ट 3,000-3,500 एक कंपनी का यहाँ पे बन सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो चीजें सरकार से इनको चाहिए थी वो तो फिलहाल इनको नहीं मिली। तो आप सोच रहे होंगे किस बात की गुड न्यूज है। पहली चीज बता दो कि इनके लिए बुरी चीज क्या थी। बुरी चीज यह थी कि सरकार को इन्होंने कहा था कि जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन का प्राइस है, बेस प्राइस जो दुनिया में सबसे महंगा है, जस्टिफिकेशन भी दिया था लेकिन सरकार ने नहीं माना, प्राइस वही का वही रखा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज यहां पे थी कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज TCS, इंफोसिस, गूगल, सिस्को, इन सभी कंपनियों को सरकार यहां पे प्राइवेट नेटवर्क के लिए, उनके खुद के काम के लिए 5G स्पेक्ट्रम बिना ऑक्शन के देने के लिए बात करी थी। इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं मिला, सारी कंपनी को भी यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएगा स्पेक्ट्रम, उन्हें ऑक्शन की जरूरत नहीं है। अब कंपनियां यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज को अपना धंधा नहीं कर सकी क्योंकि वो कंपनियां तो खुद का 5G बना चुकी होगी। तो यहाँ पे बड़े बड़े झटके तो कंपनी को लगे। लेकिन एक चीज जो पूरे ऑक्शन के अंदर यहाँ पे सबसे अच्छी निकल के आई ये बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज के लिए, जियो, एयरटेल, वीआई के लिए, वो है SUC चार्जेस। दोस्तों AGR का मैटर सबसे ज्यादा हमने ही कवर किया है, जैसे ग्रोस रेवेन्यू जितना कंपनी कमाती है ओवरऑल उसके ऊपर दोस्तों यहां पे SUC चार्जेस लगता है, स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस, जो 3-5% तक का होता है। ये कैलकुलेशन है मैं आपको करके दिखाऊंगा। 5,000 करोड़ तक का दोस्तों यहां पे इनको देना पड़ता है। अब यहां पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि सरकार ने SUC चार्जेस कंप्लीटली जीरो कर दिए हैं। यस, ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा दोस्तों अब से यहाँ पे किसी भी तरह का कोई SUC देना नहीं पड़ेगा, जिससे कंपनियों को 1,000,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट 40-50% का कटौती देखने को मिलेगी इनके खर्चे के अंदर। देख सकते हैं जीरो SUC टू कट टेलकोस एनुअल कॉस्ट बाय 40-50%। DOT के ऑफिशियल बता रहे हैं कि जीरो SUC हमने कर दिया है। टेलीकॉम कंपनी इसका जो एनुअल खर्च होगा, जो हमें पैसा देती थी, पहले 1 रुपये देती थी, तो अब इनको देना पड़ेगा कितना, 50 पैसा। 40-50% तक का इनका सालाना खर्च यहां पे कम हो जाएगा। ये बड़ी चीज दोस्तों निकल के आ रही है विद द एबोल्यूशन ऑफ द स्पेक्ट्रम जो चार्जेस, मतलब एबोलिश कर दिया, उसको हटा दिया सरकार ने यहां पे। ऑन द एयरवेव्स टू बी बॉट बाय द अपकमिंग ऑक्शन सेल टेलकॉम विल गेट इफेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन 40-50%। 50% तक का दोस्तों इनको डिस्काउंट मिलेगा। यस, 50% का डिस्काउंट मिलेगा इन द एनुअल पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार को जितना सालाना पैसा चुकाएंगे उसका 50% का डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज ओवर एंड अबाउट 39% रिडक्शन बाय द ट्राई ने जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम के ऊपर 39-40% का डिस्काउंट दिया ना, ये इससे अलग है, इसको मिक्स मत करना। ट्राई ने जो स्पेक्ट्रम बैंड्स में यहाँ पे डिस्काउंट दिया कम रेट किया 40% तक 39% तक का, वो अलग है। ये जो है SUC चार्जेस है ये थोड़ा अलग है, मैं आपको बता दूं। बात की जा रही टेलीकॉम कंपनी जो है दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पे पैसा यहाँ पे देने वाली, क्योंकि 1,000,000 करोड़ दोस्तों यहाँ पे सरकार को यहाँ पे चुकाए जाते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, समझ लो कि एक कंपनी जो है यहाँ पे 100 MHz यहाँ पे परचेस करती है, ओवरऑल 100 ही परचेस करने वाली मैक्स, तो 100 MHz अगर 5G स्पेक्ट्रम परचेस करती है 3,300 MHz के बैंड पे जाती है तो 32,000 करोड़ इसका कीमत होती है। याद रखना कितना बचेगा वो देखेंगे, 32,000 करोड़ था प्लस 1 GHz यहाँ पे मिलीमीटर वेव्स में परचेस कर ली थी, 27 GHz वाला बैंड है जो उसमें मिलीमीटर, इसमें 1 GHz परचेस करती इसका 8,000 करोड़ है, तो 32 + 8 40,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 40,000 करोड़ का अगर XYZ, एयरटेल, जियो, वीआई तीनों में से कोई कंपनी 40,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम परचेस करती है
तो इनका सालाना जो इंस्टॉलमेंट आएगा 3300 करोड़ समथिंग आएगा, 3300 करोड़। लेकिन अब गेम यहां पे झूल जाता है, क्योंकि अगर इंस्टॉलमेंट 3300 करोड़ का आता है, लेकिन अगर यहां पे जीरो ऐसी इश्यू को गिन लेते हैं तो ये जो कैलकुलेशन होगा 50% कम हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा। यस 50% कम, क्योंकि सरकार दोस्तों यहां पे एसयूसी चार्जेस जो है बता दूं यहां पे 3-5% लेती है एजीआर का, जो हजारों करोड़ों में बैठता है, हजारों करोड़ में। प्रशांत सिंगल है दोस्तों यहां पे ईवाई ग्लोबल टीएमटी के, बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है कि सरकार ने एसयूसी चार्जेस हटा दिया है, बहुत बड़ी चीज है, 2022 के स्पेक्ट्रम में सबसे अच्छी चीज यही थी, बाकी चीजें तो होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ना तो प्राइस कम किया ना प्राइवेट कंपनीज को दोस्तों यहाँ पे स्पेक्ट्रम लेने से रोका, लेकिन ये एसयूसी चार्जेस हटा के जियो एयरटेल वीआई को थोड़ी राहत, थोड़ी नहीं बड़ी राहत यहाँ पे मिली, क्योंकि एसयूसी चार्जेस से 3-5% टोटल दोस्तों यहाँ पे उस पर 5% तक का अगर एसयूसी चार्जेस होता तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा हजारों करोड़ों देने पड़ते थे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे जो इनकी इंस्टॉलमेंट आएगी, जो इनका खर्च होगा ईयरली, वो 40-50% तक कम यहाँ पे हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी चीज है तीनों ही कंपनी के लिए, जियो एयरटेल वीआई, इन तीनों ही कंपनी के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो एसईसी चार्जेस, स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्जेस सरकार को यहां पे चुकाने पड़ते थे, जो स्पेक्ट्रम परचेस करते हैं उसको यूज करने का ऑलमोस्ट 5% चुकाना पड़ता था, वो पूरी तरह से एबोलिश कर दिया, हटा दिया गया, जिससे इन्हें हजारों करोड़ों का फायदा हुआ। तो पूरे 5G स्पेक्ट्रम के दोस्तों ऑक्शन के अंदर सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आई है वो है जियो एयरटेल वीआई को यहाँ पे अब एसईसी नहीं देना पड़ेगा, जिससे ऑलमोस्ट 50% तक का सालाना खर्च यहाँ पे बच जाएगा, सालाना दोस्तों इनकी बोलते हैं ना राहत मिलेगी इनको, सालाना इनकी बचत यहाँ पे हो सकती है, जिससे ये अपने नेटवर्क एक्सपेंशन कर सकते हैं, भारत में अच्छी तरह से 5G ला सकेंगे और अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकेंगे। तो मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार ने एसईसी हटा के बड़ी राहत इन कंपनियों को दी, क्या सरकार को और भी कुछ करना चाहिए था, सारी चीजें नीचे कमेंट करके जो बताना फ्रेंड्स। और वीडियो को अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगाओ थम्स अप जरूर देते हैं, आपके भाई का चैनल इस वीडियो को शेयर कर दिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डिफेंस चलाएगा, पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं, तो जल्दी से दबा दीजिए, इसके पास दिखेगा घंटे का बटन उसको भी जरूर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज इस घंटे के बटन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो आप हमेशा करते हैं, लेकिन हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, जो आप हमेशा भूल जाते हैं, तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक वॉच, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।